हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि मूर्तिकार का संबंध जिस प्रकार से प्रतिमा लिखा है तो उसी प्रकार से कवि का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए 49 का संबंध यदि हम लोगों का 81 लिखा है तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 254 है दोस्तों, जिसने पार्ट 253 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से लिखा है, देखिए मूर्तिकार का संबंध यहाँ पर लिखा है प्रतिमा, तो उसी प्रकार से कवि का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पाउज कर लीजिए, इन्हें रोक लीजिए दोस्तों, और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से मूर्तिकार क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि प्रतिमा बनाते हैं, यानी मूर्तिकार का क्या करते हैं प्रतिमा बनाते हैं, तो उसी प्रकार से कवि यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, कविता का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, और अलग अलग एजेंसी इस तरीके के प्रश्न रिपीट किए हैं, बस तरीका समझना। इधर जिस प्रकार से मूर्तिकार क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिमा बनाते हैं, ये रिलेशन यहां पर दे दिया है, तो उसी प्रकार से कवि हम लोगों का किसका निर्माण करते हैं, तो कविता का निर्माण करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है जैसे 3 है 6 है 18 72 360 क्वेश्चन मार्क, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, बताना। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा और कैसे करेंगे हम लोग। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, जैसे हम लोगों के सामने ये देखिए यहां पर सबसे पहले 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 18 लिखा है, उसके बाद यहां पर क्या लिखा है 72 लिखा है, इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों 360 लिखा है, और आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो यहीं पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज को देखिए, सीरीज कैसे चला है, यहां पर बीच में कोमा है दोस्तों, तो आप कोमा लगा दीजिए, सब में क्या कर दीजिए दोस्तों कोमा लगा दीजिए, इस तरीके से कोमा लगा दीजिए। अब देखिए 3 से यदि हम लोग जाएंगे 6 पे तो क्या करना होगा, तो यहां पर देखिए गुना क्या किया दोस्तों, 2 कर दिया है, 3 में 2 से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं। उसी प्रकार से 6 से यदि 18 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो 6 से 18 पर जाने के लिए गुना इस पे क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 कर देना होगा। उसी प्रकार से 18 से यदि 72 पे जाएंगे दोस्तों, तो गुना कितना करना होगा 4 करना होगा। उसी प्रकार से 72 से यदि यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, तो गुना कितना करना होगा 5 करना होगा। देखते चलिए आप ध्यान से, उसी प्रकार से अगला हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 6 कर देंगे। जैसे ही 360 में हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 0 और इधर हो जाएगा 6 के 36 करी 6
तहसील रहा 3, चौथी 18, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 2100 क्या आएगा दोस्तों 60, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा दोस्तों 2160 आएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज को देखेंगे कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है, तो सीरीज यहां पर बढ़ते हुए चल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और चैनल पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहां दिख रहा है, वो क्वेश्चन कहां दिख रहा है, क्योंकि उस सारे पार्ट को देख भी नहीं किया तो कैसे आपको सारा, क्योंकि एक पार्ट में सारे चैप्टर से क्वेश्चन करवाना संभव ही नहीं है। इसीलिए आप सारे पार्ट को जाके चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि एक और से वीडियो सेक्शन में जाइए और सारा पार्ट देखिए। जैसे यहां पर देखिए लिखा है दोस्तों कि 49 का संबंध 81 है, तो उसी प्रकार से 100 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहां पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 49 लिखा है, तो यहां पर 49 लिख देंगे, उसके बाद अनुपात का चिन्ह, उसके बाद क्या लिखा है 81, और यहां पर लिखा है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, उसके बाद इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 100 लिखा, और आगे क्या लगाया हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल हुआ क्या, और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, ये देखिए इसने 49 आप जान रहे हैं क्या है दोस्तों, हम लोगों का 7 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने स्क्वायर दे दिया है। ये क्या लिखा है दोस्तों, स्क्वायर हम लोगों का दे दिया है। तो ये देखिए रुक जाइए यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर जैसे ही लिख देंगे दोस्तों इस जगह पर क्या लिखा है हम लोगों के सामने स्क्वायर। उसी प्रकार से ये देखिए ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 9 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 100 क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 10 का स्क्वायर है। तो अगला यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा, ये देखिए 7 के बाद क्या हुआ 9, तो 10 के बाद क्या आएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, इस जगह पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तरीका को आप समझिए, आप रटिए नहीं। देखिए यहाँ पर 7 के स्क्वायर के बाद क्या हुआ दोस्तों 9, यानी प्लस 2 का क्या हुआ है दोस्तों वृद्धि हुआ है। बेसिक बात को आप समझिए कि यहां पर प्लस 2 किया है, यहां पर क्या है दोस्तों 7 का स्क्वायर। उसी प्रकार 7 के बाद 9, उसी प्रकार से 10 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यानी प्लस 2 का वृद्धि, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 144 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों कि यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया था यानी 49 को 81 कैसे लिखा है, तो 7 के बाद 9 का स्क्वायर, उसी 10 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यानी 2 का गैप है, 2 का वृद्धि का। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके के पासवर्ड प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने एक गोला है दोस्तों, यहां पर ई मतलब वर्ग है, तो क्या बन जाएगा हम लोगों का वर्ग बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसके अंदर में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से जैसे हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कर रहा है दोस्तों इस तरीके से कर लीजिए, उसके बाद इधर से कर लीजिए, और फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर इधर से हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर निकाला है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ से हो जाएगा और उसके बाद इधर से निकाल देंगे, उसी प्रकार से इधर से और इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए हम लोगों का पूरा बन गया। अब इसी में देखिए किधर किधर कौन होगा, यही बात आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का ऊपर में काला वाला एक बिंदा है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों काला वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जो जितना दूरी पर है तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दो गो बिंदा इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का त्रिभुज का निशान हो जाएगा। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है जल्दी से देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें कहां कर दिया है, इसमें देखिए हम लोगों का त्रिभुज क्या कर दिया दोस्तों पलटा दिया है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि पलट जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं कि यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा नहीं क्या लगा। और आप कैसे जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है सर, और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पासवर्ड। इसीलिए आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, और जैसा फिगर है उसी तरीके का होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, काफी बार अलग अलग डायग्राम में इस तरीके के मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहां पर तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये देखिए
यहाँ से देखिए तीन से यदि पाँच पे जाएंगे तो उसने क्या किया है, पहले बेसिक बात को समझिए कि तीन से पाँच पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया, इधर गुना क्या कर दिया दोस्तों, दो कर दिया है और माइनस क्या कर दिया दोस्तों वन, तीन दोना छः होगा, छः में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों पाँच हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एकदम आप समझते चलिए, आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे कि यहाँ से देखिए पाँच में क्या कर देंगे दोस्तों, गुना दो कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों वन कर देंगे। देखिए ना पाँच दोना दस, अरे दस में एक घटेगा नौ होगा, काहे नहीं आप समझ रहे हैं इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए यहां से 9 से जाएंगे दोस्तों हम लोग किस पे 17 पे, तो 9 में आखिर क्या करेंगे देखिए एकदम आप समझ गए कि यहां पर सर गुना 2 कर दीजिएगा, 9 दुना 18, 18 में एक घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर जाएंगे दोस्तों एकदम 33 पे जाएंगे तो देखिए यहां पर कितना करना होगा, गुना 2 कर देना होगा और माइनस 1 कर देना होगा तो 17 दुना क्या होता है 34, 34 में एक जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 33। उसी प्रकार से देखिए यहां से आगे जब यहां पर आएंगे दोस्तों हम लोगों का बेसिक बात को एकदम आप समझ चुके हैं कि यहां पर करना क्या होगा कि गुना 2 कर देना होगा, माइनस क्या कर देना होगा दोस्तों 1 कर देना होगा तो 33 दुना 66, 66 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं, तीन से यदि पांच में जाएंगे तो गुना 2 करना होगा, तिनका में 2 से गुना, तीन दुना 6 में एक जाएगा तो 5, उसी प्रकार से 5 से 9 पे जाएंगे तो 5 में गुना 2 यानी गुना 2 माइनस 1, बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस आप बेसिक बात को आप लगा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तीन है उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर लेंगे दोस्तों पाँच कर लेंगे, उसके बाद जैसे हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 17 लिखा है, 17 के बाद हम लोगों के सामने क्या है 33 है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे भी चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते थे कि तीन से पाँच पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं सर, गुना हम लोग 2 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न क्या हो सकता है सॉल्व हो सकता है, बस आपको तरीका आना चाहिए ताकि कैसे किया। उसी प्रकार से देखिए 5 से 9 पे जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1, उसी प्रकार से 9 से यदि यहां पर जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 1, उसी प्रकार से देखिए यहां से यहां पर जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 1, उसी प्रकार से 33 में गुना 2 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे तो नहीं 65 होगा। काहे आप ऐसे कर रहे हैं कि 65 नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा सर हम लोगों का 65 आएगा। बेसिक बात दोनों तरीका बता दिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि a का अर्थ क्या है दोस्तों, यानी a के जगह आपको क्या लेना है, बोल दिया है कि a के जगह आपको भाग का चिन्ह लेना है, b के अर्थ का मतलब क्या है दोस्तों प्लस का चिन्ह लेना है, c का अर्थ का मतलब क्या है दोस्तों तो c के जगह माइनस लेना है, वहां पर देखिए नहीं दिख रहा है तो लिख दिया c के जगह माइनस, और d के जगह क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने गुना दिया है, तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप चल दीजिए, करना कुछ भी नहीं, जो सिंबल दिया है उसके सामने लिख दीजिए, यानी कि a का अर्थ लिखा है तो a का अर्थ भागा है तो a का अर्थ क्या लिख देंगे भागा, उसी प्रकार से b का अर्थ है दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस तो प्लस, उसी प्रकार c का अर्थ है दोस्तों माइनस तो c का, उसी प्रकार से d का अर्थ क्या है दोस्तों गुना तो गुना, बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। इधर यहां पर लिख देते हैं जैसे 24 उसके बाद a, तो a के जगह क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, अभी तो आप बताएं कि a के जगह भागा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद लिखा है दोस्तों D, तो D के जगह हम लोगों के सामने गुना लेने के लिए कहा है तो गुना 4, उसी प्रकार से B, तो B के जगह हम लोगों के सामने प्लस ले लेंगे, उसके बाद 9, और C के जगह क्या लेने के लिए कहा है तो माइनस और क्या दोस्तों 8, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा रवैया करने की आवश्यकता ही नहीं, देखिए तो सबसे पहले भाग का काम होगा, 24 में 6 से भागा देंगे तो 24 में 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बस एक लाइन करेंगे दोस्तों और आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, 16 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 माइनस क्या कर देंगे 8, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 में जैसे ही 8 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा तो देखिए 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है दोस्तों यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है।
जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि जैसे एक कोडिंग दिया गया है तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, जो जो जिसका कोड दिया उसको सबसे पहले आप नोट कर लेंगे। तो देखिए जैसे आर है तो आर लिख लीजिए, उसके बाद ए है, उसके बाद आई, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने डी, इसका कोड क्या क्या है देखिए प्रतिशत है, उसके बाद हम लोगों के सामने हज का सिंबल दिया है, उसके बाद हम लोगों के सामने स्टार दिया है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों इस तरीके का एक डॉलर। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड दिया जिसका जिसका दिया है, जैसे आर है उसके बाद आई उसके बाद पी और क्या लिखा है दोस्तों ईथ, इसका कोड क्या क्या है देखिए इसका लिखा है प्रतिशत, आई का कोड हम लोगों के सामने क्या दिया स्टार दिया है स्टार कर लीजिए, उसी प्रकार से पी का कोड एट द रेट है, उसी प्रकार से इसका देखिए कॉपी राइट इस तरीके से दिया है। तो बस अब जिसका पूछा जा रहा है देखिए हम लोगों के सामने डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद ए है और क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल यहाँ पर हुआ क्या, डी के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया था देखिए यहाँ पर डी आखिरी में और डी के लिए क्या है इस तरीके से डॉलर टाइप में लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों डॉलर टाइप। उसी प्रकार से ई के लिए क्या प्रयोग किया है तो कहाँ मिल रहा है ई, देखिए ई, ई के लिए सी यानी कॉपी राइट में लिखा हुआ इस तरीके से सी के अंदर, उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए क्या प्रयोग किया हज का सिम्बॉल, तो ए के लिए क्या हो जाएगा हज का सिम्बॉल हो जाएगा, एकदम वहां पर दिया है दोस्तों, बस आपको छांट छांट के लिख देना था। आर के लिए क्या प्रयोग किया है देखिए शुरू में आर के लिए क्या है प्रतिशत है, तो कहां मिल रहा है जल्दी से देखिए हम लोगों का डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ई दोनों में हो रहा है, उसके बाद हम लोगों का कॉपीराइट, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस खोज खोज के लिखना था ए के लिए क्या है आर के लिए क्या है डी के लिए क्या है बस ई के लिए क्या है, बस आपका आंसर निकल जाएगा, बस कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन दिया, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर प्रश्न इस एग्जाम के लिए उस एग्जाम के लिए, बल्कि ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों अलग अलग एग्जाम में जो बार बार रिपीट करते हैं वही सब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और सारे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आप जरूर देख लीजिए। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में सन्निहित है, ये फिगर जो है आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सन्निहित का मतलब ही होता है कि वही फिगर कहाँ छिपी हुई है। तो देखिए हम लोग पहला ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन में देखेंगे तो भी नहीं दिख रहा है, अगर इसमें देखेंगे तो भी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, हूबहू देखिए वही आकृति यहाँ पर दिख रहा है जैसा जैसा है, जैसे देखिए एक बार एक लिखा है चतुर्भुज टाइप में उसमें तीन को फिगर निकाला और एक सिलेंडर जैसा है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, सन्निहित का मतलब ही होता है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने नवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, विषम का मतलब ही क्या होता है दोस्तों चार में से तीन किसी तरीके समान है एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि तांबा हो गया सोना हो गया उसके बाद चांदी हो गया, तो ये सभी हम लोगों का यहाँ पर लिख देते हैं ना तो कन्फ्यूजन आपको, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों ये सभी हम लोगों का क्या है धातु है, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों धातु है। देखिए ना तांबा धातु है सोना धातु है चांदी, लेकिन कांसा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कांसा क्या है दोस्तों एक मिश्र धातु है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ये एक क्या है दोस्तों हम लोगों का मिश्र धातु है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का मिश्र धातु, तो यहाँ पर ऐसे भी इस प्रश्न का आंसर हो सकता था, ये क्या है दोस्तों मिश्र धातु है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तरीका को समझिए आप रटिए ना, इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो आपको लॉजिक लगाना था, विषम का मतलब ही होता है कि चार में से तीन किसी तरीके समान है एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों अलग होगा क्योंकि ये सभी धातु और वो क्या है दोस्तों मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दसवां नंबर क्वेश्चन दिया, एक सीरीज दिया है श्रृंखला टाइप में, देखिए तो इस तरीके लेटर सीरीज दिया है, तो सबसे पहले यहां पर नोट कर लीजिए दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, जैसे ए है उसके बाद जेड है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों जी और टी और उसके बाद लिखा है एम और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एन और आगे दे दिया है क्वेश्चन मार्क, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर लेंगे, क्या तरीका है सर वो बता दीजिए। देखिए यदि ए से जी पे जाएंगे तो ए बी सी डी में सोचना, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, तो कितना लेटर जोड़े हैं, तो यहाँ पर प्लस कितना क्या है दोस्तों छः लेटर, उसी प्रकार से जी से यदि यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी प्लस क्या क्या दोस्तों उसने छः लेटर, तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों अच्छा जी से यदि हम लोग एम पे जाएंगे देखना है, अच्छा अच्छा यहाँ पर जैसे यहाँ एक में छः करेंगे तो हम लोगों का देखिए कि हुआ क्या है कि ए के बाद होता है बी सी डी ई एफ जी, तो बिल्कुल हम लोगों का यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों छः लेटर जोड़ा, उसी प्रकार
प्रकार से यहां पर जैसे अगर जी में 6 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा उसी प्रकार से यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, 6 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम के बाद होता है एन ओ पी क्यू आर एस, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए ना। उसी प्रकार से देखिए जेड से यदि टी पे आएंगे तो क्या करना होगा, 6 लेटर घटा दिया, घटा दीजिए। उसी प्रकार से देखिए टी से यदि एन पे आएंगे तो यहां भी 6 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से एन में यदि आप 6 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि एच हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एस एच, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या आएगा इस श्रृंखला में, एस और एच आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस आपको तरीका समझना है। ए बी सी डी में जो ए से लेकर जेड उसी में लेटर को कम किया है, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि इसका संबंध इस तरीके से है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, नए विश्वास एक बार आप ट्राई कर लीजिए। ए सी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई और क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसी प्रकार से इस जगह पर है कि आई, उसके बाद हम लोगों के सामने के, उसके बाद एम और क्या लिखा है दोस्तों, ओ, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है। उसी प्रकार से लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा है क्यू, उसके बाद एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने डब्ल्यू, और इधर है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए बन जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये बात आपको बता दें कि उसने क्या किया दोस्तों, ए से सी पे जो जाएंगे तो कितना का प्लस किया है, 2 लेटर। अभी ए बी सी डी बताए हैं कि ए से देखिए ना, सी से यदि ये 2 लेटर क्या कर दिया दोस्तों, वृद्धि कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए आई से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों, 2 लेटर का वृद्धि, यहां से यहां पर जाएंगे प्लस 2 लेटर, इससे जाएंगे तो इसमें भी प्लस 2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए क्यू से यदि एस पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखते चलिए हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कि देखिए क्यू से यदि एस पे आएंगे तो प्लस 2 लेटर, उसी प्रकार से एस से आएंगे तो प्लस 2 लेटर, और यू से आएंगे तो प्लस क्या दोस्तों, 2 लेटर। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्लस 2, वाई में अगर 1 लेटर जोड़ेंगे तो जेड, ई तो पहला ऑप्शन होबे नहीं कर, कैसे वाई में अगर 1 लेटर जोड़ेंगे तो जेड, जेड के बाद ए आएगा, तो ई हो ही नहीं सकता। वाई में ए कर दिया है तो ई भी नहीं हो सकता है। ये देखिए y से b कर दिया है, ई भी नहीं हो सकता है। ये देखिए y से यदि हम लोगों का a किया है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए y से यदि a किया है तो ई सही हो जाएगा, कि y के बाद क्या होता है जेड, और जेड के बाद कहाँ से आएगा a पे, 2 लेटर, फिर a में 2 लेटर, हाँ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका d क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि इसमें देखिए जैसे ही क्वेश्चन मार्क की जगह रख देंगे, 2 लेटर का गैप हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर d क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। अभी हाल ही के एग्जाम हम इस तरीके, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि पहला ए से आ रहे हैं आई पे, उसके बाद सी से आ रहे हैं के पे, इस तरीके से कर रहे हैं, तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही तरीका आपका बेस्ट है, जो कि जल्दी से आप आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। या आप वैसे चलेंगे तो 8 लेटर जोड़ेंगे, इसमें भी 8 लेटर जोड़ेंगे, उसमें भी अगर 8 लेटर, इस तरीके से 8-8 लेटर भी जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि 8-8 लेटर भी जोड़ेंगे तो भी हम लोगों का प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए यदि आप नहीं समझे दोस्तों, एक तरीका आपको ये भी बता देते हैं, कंफ्यूजन नहीं कि आप ऐसे काहे कर रहे हैं सर, ए सी उसके बाद ई और क्या लिखा है दोस्तों, जी, तो इसका लिखा है आई, उसके बाद हम लोगों के सामने के लिखा है, उसके बाद एम लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर है क्यू एस, उसके बाद यू और क्या लिखा है दोस्तों, डब्ल्यू। एकदम तुरंत कर लेंगे, कोई समय नहीं लेंगे। देखिए ए से यदि आई पे आएंगे, उसी प्रकार सी से के पे आएंगे, इससे आएंगे इसमें, यहाँ पर क्या क्या और कैसे क्या। देखिए ए से यदि हम लोग आई पे आएंगे तो यहां पर प्लस कितना लेटर, 8 लेटर, किसमें, ए बी सी डी में, आप बात को समझिए, यहां भी 8 लेटर, उसी प्रकार से यहां पर भी 8 लेटर, उसी प्रकार से यहां पर भी 8 लेटर, तो इसमें भी कर दीजिए दोस्तों 8 लेटर प्लस कर दीजिए, उसी प्रकार से इसमें भी 8 लेटर प्लस कर दीजिए, इसमें भी आप 8 लेटर प्लस कर दीजिए, इसमें भी आप क्या कर दीजिए 8 लेटर। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका वाई हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद सी आएगा और क्या आएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। ए बी सी डी में सोचना, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दोनों तरीका बता दिया। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर डर जाएंगे, देखते हैं घबराहट फील करने लगते हैं कि आखिर जैसे जापान का कोड लिखा है तो जे, उसके बाद ए, उसके बाद पी, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एन, तो इसका कोड क्या क्या लिखा है। देखिए 9 लिख दिया है, उसके बाद 0 लिखा है,
उसके बाद 1, 5, उसके बाद हम लोगों का 0 और क्या लिखा है दोस्तों 13। तो उसी प्रकार से इंडिया का पूछा जा रहा है IN, उसके बाद DI और क्या दोस्तों A। तो क्या आप नहीं कर सकते, ये देखिए हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि J का स्थान ABCD में कितना होता है दोस्तों 10 होता है, A का स्थान 1 होता है, P का स्थान कितना होता है दोस्तों 16 होता है, उसी प्रकार से A का स्थान कितना होता है 1, N का स्थान कितना होता है 14। तो क्या क्या उसने एक एक लेटर घटा दिया, इसमें एक लेटर घटा दिया, उसी प्रकार से इसमें भी एक लेटर घटा दिया, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी एक लेटर घटा दिया, उसी प्रकार से इसमें भी एक लेटर घटा दिया, इसमें भी क्या कर दिया दोस्तों एक लेटर घटा दिया। बात को समझने का प्रयास कीजिए, एक एक लेटर, अरे ABCD में आप कैसे बोलते हैं A से लेकर Z तक 26 लेटर होता है, A का स्थान 1 होगा सर, B का स्थान 2 होगा, C का 3, D का 4, ऐसे यदि आप नहीं जानते हैं तो बेसिक बात को समझ लीजिए दोस्तों, ताकि कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि A से लेकर Z तक 26 लेटर होता है। उसी प्रकार से नंबरिंग, जैसे P का 16 कैसे, तो P का स्थान ABCD में देखिए 16 होगा, तो बेसिक बात हम बता दिए आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहते। I का स्थान कितना होता है हम लोगों के सामने 9 होता है, N का स्थान कितना होता है 14 होता है, D का स्थान कितना होता है 4 होता है, I का स्थान 9 होता है, A का स्थान क्या होता है 1। तो सब में एक एक घटा लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल, ज्यादा आपको कहानी कथा इसमें कुछ रवैया नहीं रचना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। हम कर देते हैं, देखिए 9 में एक घटेगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, 4 में एक घटेगा 3 हो जाएगा, 9 में एक घटेगा 8, 1 में एक घटेगा 0, तो यहां पर हो जाएगा देखिए 813 380, कहां मिल रहा है 813 380, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझ गए होंगे हुआ क्या, एक एक लेटर यहां पर कुछ नहीं, सब में एक एक लेटर आपको क्या कर देना है दोस्तों कमी कर देना, सब में एक एक लेटर क्या कर देना है घटा, यानी उसके अंक में एक एक लेटर घटाया। जैसे आई का स्थान ABCD में आप काहे नहीं समझ रहे, इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, जब इतना बात समझा चुके हैं कि ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, तो फिर आप ऐसे काहे करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। इधर करे रूपा एक स्थान से चलती है, तो चलने दीजिए, चलने वाला को थोड़ी रोक पाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पूरब होगा, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम। बेसिक बात हमेशा आपको समझाते गए हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, कि पूरब हम लोगों को किसी भी हालत में जिधर तीर का निशान दे वो पूरब हो गया, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम होता है, ये बात आप समझते हैं, और ऊपर में उत्तर नीचे दक्षिण, तो चला दीजिए। कह रहे रूपा एक स्थान से चलती और 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ये देखिए यहां से चला दिए दोस्तों 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, देखिए ना पश्चिम का दिशा किधर है उधर है, तो चला दिए। उसके बाद कह रहा है कि हम लोगों का बाई मुड़ता है, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों, यानी बाई घूमती है और बारह चलती है, तो देखिए बायां घूमेगा तो आप पश्चिम की ओर मुंह किए तो दायां हाथ उधर हो जाएगा, अब बायां किधर हो जाएगा दोस्तों ई साइड हो जाएगा, और कितना चला है 12 चला है, तो 12 चला दिए। उसके बाद फिर तो अगर आप दक्षिण, ये वाला दिशा है दक्षिण, तो दक्षिण में मुंह किए तो देखिए दाएं हाथ किधर हो जाएगा, तो कह रहा है दाईं ओर घूम जाता है, दाईं ओर इधर घूम जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा था, अब ये कौन दिशा है, तो पश्चिम दिशा है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन अब देखते ही पसीना हट करेगा कि हमसे तो होबे नहीं करेगा सर, इस सीटिंग अरेंजमेंट वाला हम कैसे करेंगे, पंक्ति में बैठाने वाले कैसे करेंगे, लेकिन देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। सबसे पहले आप देखिए दायां किधर लेंगे, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दायां होता है, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों बायां होता है। इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न आधा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ये भी बोल चुका है कि किधर देख रहा है हम लोगों का, यहाँ पर कह रहा है कि एक मकान पर, हाँ उत्तर की ओर, ये बात यहाँ लिख दिया, अभी आपको बताएं उत्तर दिशा किधर होता है, तो ऊपर की ओर ही वाला दिशा क्या है दोस्तों उत्तर की ओर। अभी आप पीछे वाला क्वेश्चन में नहीं करवाए हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं करवाए हैं, ऊपर की ओर उत्तर की ओर होता है। यहां लिखा है कि ए बी के दाईं है, तो यहां पर लिख लेते हैं ए जो है कह रहा है बी के दाईं है, तो बी यहां पर बैठेगा तब ना उसका दायां उधर होगा, तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है और ई जो है सी के बाईं ओर, तो अभी क्लियर नहीं, आगे बढ़ते हैं, तथा ए के दाईं ओर, अच्छा अच्छा ई जो है दोस्तों सी के दाईं ओर है और कह रहा है ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर, अच्छा तो ई जो है दोस्तों इस जगह हो जाएगा कह रहा है कि ई जो है सी के बायां है, तो ई जो है दोस्तों हम लोगों का सी का क्या हो जाएगा बायां, और ए के क्या है दाईं ओर, तो हो गया। और कह रहा है कि साथ ही डी जो है बी जो है डी के दाईं ओर, यानी बी जो है दोस्तों डी के दाईं ओर, तो हो तो गया। सारा को बैठा दिए, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए, दायां किधर है बायां है किधर है, बस आपका प्रश्न क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो कह रहा है कि बताइए बिल्कुल बीच में कौन है, तो बिल्कुल बीच में कौन है ए है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही ना ए दिया है, तो क्या हो जाएगा सही
ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना दोस्तों कि दायां किधर होता है बायां किधर होता है। साफ साफ लिखा है ए जो है बी के दायां है, तो ए जो है देखिए बी के क्या हो गया दायां। देखिए ना बी यहां बैठेगा तब ना दायां होगा, दायां आप किधर लिखें तो दायां इधर होगा तब ना दायां होगा। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि ई सी के बाई ओर है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ता था ए के दाएं ओर, तो कह रहे ई जो है सी के बाएं, तो ई जो है सी के बाएं तथा ए के दाएं ओर। तो इस तरीके से आगे जैसे बढ़ेंगे इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा और तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे हुआ क्या और कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दी गए आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों कितने त्रिभुज है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं इस तरीके के प्रश्न, लेकिन तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएं। तो देखिए तरीका आपको बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस बात को आप समझ लिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर इस तरीके से क्या हुआ और इस तरीके से और यहाँ पर कहेगा कितना त्रिभुज है, तो देखिए एक त्रिभुज ये हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा दोस्तों दूसरा त्रिभुज। अब सबटों को मिला देंगे तो हम लोगों का यानी कि वहां पर देखिए इस तरीके से हुआ और ये दोनों को मिला देंगे दोस्तों तो यहां से यहां पर एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों तीन त्रिभुज हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं कि इस तरीके से रहेगा, इसमें अगर एक बार किया है तो कितना त्रिभुज बनेगा तीन, क्योंकि एक त्रिभुज ये हुआ एक दो त्रिभुज हुआ और ये दोनों को मिला देंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा दोस्तों तीन त्रिभुज हो जाएगा। यदि आप इतना बात समझ गए तो आपका आधा प्रश्न क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो चुका है। कैसे दिखे यहाँ पर हम लोगों का तीन त्रिभुज बनेगा, यानी कि यहाँ से जब इस तरीके से अभी बता चुके हैं तीन त्रिभुज, उसी प्रकार से यहाँ पर दिखे यहाँ से हो जाएगा तीन त्रिभुज, उसी प्रकार से यहाँ से हम लोगों का इधर से आ जाएगा तीन, तो तीन तीन छः तीन नौ, ऊपर में यहाँ पर एक जाएगा एक दस, उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा ग्यारह और यहाँ से एक हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा बारह। तो बारह त्रिभुज हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों बाहरी साइड हम लोगों का गिन चुके हैं कितना त्रिभुज हुआ बारह। अभी तक आप समझ कि हम लोगों का कितना त्रिभुज आया है 12 त्रिभुज निकल चुका है, तो ठीक है इसको हटा लीजिए और यहां पर लिख लीजिए कि 12 त्रिभुज आप एक एक तो गिन लिए बाहर का। अब देखिए आपको बताते हैं दोस्तों 12 के बाद हम लोगों का कहां से बनेगा, इधर यहां से यानी कि यहां पर जाएंगे, इधर के 12 के बाद यहां से अब एक एक तो गिनते हैं, यहां से एक त्रिभुज बन जाएगा, इधर से एक त्रिभुज, उसी प्रकार से इधर यहां से इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज, तो दो त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से देखिए अब 12 के बाद अब एक दूसरे स्टार्ट किए हैं, उसी प्रकार से इधर यहां से यहां पर जाएंगे एक तीन त्रिभुज हो जाएगा, उसी प्रकार से यहां से देखिए इस जगह पर लेंगे तो चार त्रिभुज, तो चार त्रिभुज यहां तक हो चुका है। चार के बाद देखते चलिए फिर किस जगह बनाएंगे, देखिए यहां से यहां पर लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का पांच त्रिभुज हो जाएगा और इस जगह से फिर यहां पर इस जगह से लेंगे तो कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों छह त्रिभुज हो जाएगा। यानी छह को क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का इस तरीके से हो चुका है, यानी यहां तक हम लोग समझ गए कि इस तरीके से कितने त्रिभुज हुआ दोस्तों छह को त्रिभुज हो चुका है। यानी कि देखते चलिए कि 12 को लिए और उसके बाद छह को निकाल चुके हैं, तो यहां पर लिख देते एकदम आप कर करके बता रहे हैं कि 12 प्लस 6 तक निकाल लिए। अब देखिए अब कहां से ले रहे हैं, अब ये देखिए 6 यहाँ तक ले लिए दोस्तों, छः के बाद देखिए हम लोगों का एक त्रिभुज इसको ले लेते हैं, यहाँ से हम लोगों का इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं लेंगे, यहाँ से हो जाएगा और उसी प्रकार से यहाँ से देखिए दूसरा त्रिभुज एक दोनों को मिला के यानी कि यहाँ से इस तरीके से नहीं होगा तो तीन को यहाँ पर हो जाएगा, तो तीन को हो गया और एक को कॉन्टूर लेंगे दोस्तों वो वाला त्रिभुज, अरे का ही नहीं अभी तक आप समझे, ये वाला इसका वाला एक को लेंगे तो ठीक है इसका वाला एक ले लेंगे, तो यहाँ पर एक कर दिए यानी कि हम लोगों का यहाँ तक कितना हो चुका है दोस्तों ये देखिए, तो 12 छः 18 18 3 21 21 एक क्या हो गया दोस्तों यानी कि देखिए 12 छः 18 3 21 एक 22। उसके बाद देखिए अब कहाँ कहाँ से त्रिभुज लेंगे, अब यहाँ तक हम लोग आज समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट 12 छः 18 3 21 एक 22 तक हम लोग ले चुके हैं, तो 22 त्रिभुज यहाँ तक तो काउंट कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये देखिए अब इस जगह से काउंट कीजिए कि यहाँ से आएगा दोस्तों 22 के बाद ये देखिए एक यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ से एक ई बन जाएगा, हम लोगों का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां से यहां पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 के बाद देखिए फिर हम लोगों का कहां बनेगा दोस्तों ये देखिए 24 के बाद हम लोगों का कहां बनेगा ये देखिए यहां से यहां पर लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा और एक इस जगह पर यहां पर इस तरीके से लेना होगा इस जगह पर तो 27। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा हम लोगों का 27 आएगा, बेसिक बात भी बता चुके हैं इस प्रश्न का आंसर किसी भी तरीके से क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस प्रश्न का आंसर सब कोई कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सब कोई होमवर्क में दिया है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।